पूर्व सारा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ब्रिजमोहन सिंह ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की। कांग्रेस सरकार बनने की उन्होंने बातें कही, साथ ही कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव में जनता से जो भी वादे किए हैं उसे पूरा किया है। प्रदेश सरकार के कार्यों से सभी वर्गों के लोगों में खुशी की लहर है, यही कारण है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है। वहीं मुस्लिम समाज की कांग्रेस से नाराजगी के सवाल पर पूर्व साडा उपाध्यक्ष ने कहा कि कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ खड़ा है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्रिजमोहन सिंह ने कहा कि अब वैशाली नगर में चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चुनावी समर चल रहा है, सभी पर्वों में एक पर्व लोकतंत्र का जो आने वाला है उसको लेकर सभी में कौतूहल है। वैसे आज दशहरा है, दशहरा पर्व की सभी को बधाई। आज हम यहाँ पर शांतिनगर दशहरा मैदान में प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और पूर्व साडा अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वैशाली नगर के ब्रिजमोहन सिंह हमारे साथ में हैं। चुनावी समीक्षा को लेकर चंद सवालात अल्प समय में हम उनसे करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पर्वों की तरह एक लोकतंत्र का पर्व भी हमारा बहुत जल्द ही हम मनाने वाले हैं और विधानसभा अगर देखा जाए स्तरीय विधानसभा स्तरीय तो वैशाली नगर एक सेंसिटिव सीट रही है। सर, आप यहाँ के निवासी हैं और पूर्व विधानसभा आप टिकट के लिए भी दावेदारी के लिए आपने प्रत्याशी रहे थे। आप अभी जो यहाँ का समीकरण चल रहा है वो किस तरह का है सर? यानी यहाँ का समीकरण अच्छा है, पूरा तरह कांग्रेसमय है यहाँ पर। जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, किंतु शहरी क्षेत्रों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उनकी जो हर घोषणाओं पर अमल हुआ है और उनकी बहुत सारी घोषणाएँ शहरी क्षेत्रों के लिए थी, इसका लाभ शहरी क्षेत्र के आम नागरिकों को मिला है। इसलिए मेरा ये मानना है कि शहरी क्षेत्र के लोग इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे। इन समीकरणों में कई जगह भीतरघात की स्थिति भी देखी जा रही है सर। भीतरघात एक सदैव होता रहता है, सभी राजनीतिक दलों में होता रहता है, किंतु इस बार कांग्रेस के अंदर कोई भीतरघात दिख नहीं रहा है। उसका कारण है खास तौर से वैशाली नगर में, क्योंकि तो हमारे जो अभी जो कांग्रेस के जो नए प्रत्याशी हैं माननीय मुकेश चंद्राकर जी, वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और पिछले अनेक वर्षों से सक्रिय भी रहे हैं और सभी कांग्रेस के साथियों के साथ उनका निरंतर संपर्क भी रहा है और बड़ा अच्छा उनका व्यवहार है, बड़ा अच्छा आचरण है, एक्टिव भी खूब रहे हैं वो। तो मैं नहीं समझता कि वैशाली नगर विधानसभा में कोई भीतरघात करेगा। अगर हम प्रदेश स्तरीय बात करें तो 90 सीटों में मात्र एक सीट ही मुस्लिम समुदाय को दी गई है, इस लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। जगह हर जिलों में एक तरह का जो विरोधी स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, ये स्वर किस तरह का असर दिखाएंगे चुनाव में? नहीं नहीं, वो तो खैर ठीक है, समुदाय की बात है, आखिर मुस्लिम समुदाय को टिकट मिली भी है और केवल विधानसभा नहीं, बहुत सारे निगम मंडलों में भी उनको मिला है। नगर निगमों में भी महापौर बने हैं, पार्षद भी बने हैं, एल्डरमैन भी बने हैं, संगठन में भी सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इसलिए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर होता रहता है, पहले तीन तीन चार चार लोगों को मिला करता था, ठीक है पिछली बार दो को मिला, इस बार एक को मिला, कुछ खींचता ये मुस्लिम समाज का आक्रोश कैसा आंकड़ा लाएगा और असर कैसा दिखाएगा? नहीं, मुस्लिम समाज तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी को देखोगे आप किसी भी प्रदेश में, कहीं पर भी उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, कांग्रेस ने दिया। पिछली बार दो सीट दी गई थी, इस बार ठीक है एक सीट दिया गया, किंतु माननीय भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश में बहुत सारे निगम मंडलों में मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया, अध्यक्ष बनाया, आयोग का अध्यक्ष बनाया, महापौर बनाया, एल्डरमैन बनाया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने नगर निगम के पार्षदों की टिकट दी, जिला पंचायत में स्थान दिया और प्रदेश के संगठनों में बहुत सारा स्थान है। तो मुस्लिम लोगों को सबसे ज़्यादा अगर मोबिलाइज किसी ने किया है तो हम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मेरा निवेदन भी है कि वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि हमको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, और इसलिए जो इनको हराने वाले जो लोग हैं कांग्रेस, उनका साथ देना चाहिए। जैसे वैशाली नगर की बात करें तो एक एडवोकेट का भी नाम सामने आ रहा है जो कि मुस्लिम है और टिकट उन्होंने प्रत्याशी बनाए जाने के लिए टिकट मांगी थी उन्होंने, लेकिन नहीं दी गई, तो शायद विरोध देखा जा रहा है और फाइनली वो तैयार हो रहे हैं, ये कैसा असर रहेगा? मैंने सोशल मीडिया में देखा था उनका, पढ़ा भी। खैर, वो तो टिकट मांगना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हर समुदाय का आदमी टिकट मांगता है,
कल मैं बोलूँगा कि राजपूत समाज को टिकट नहीं मिली, कल कोई बोलेगा सिख समुदाय को टिकट नहीं मिली, पर ऐसा कुछ नहीं है। जीतने वालों को टिकट दिया जाता है और इस बार मुकेश चंद्राकर जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, सर्वे हुआ है। और सर्वे तो खैर अलग मैटर है, अभी जो पर्यवेक्षक आए थे यहाँ पर तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं ने कहा था कि मुकेश चंद्राकर जी चुनाव जीतेंगे, हम उनको समर्थन करेंगे, इसलिए इनको टिकट दो। अछूता रहा है वैशाली नगर जो क्षेत्र है, विकास की दृष्टि से कैसा लगता है, परिवर्तन आएगा और जो विकास जो गाथा है यहाँ पर रची जाएगी? यह सही बात है, वैशाली नगर विकास के कार्यों में बहुत अछूता रहा है। वैशाली नगर तो अछूता रहा है विकास कार्यों से, उसका कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक नहीं बना, बीजेपी के विधायक रहे, निष्क्रिय रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सरकार से कभी भी डिमांड नहीं किया। विधायक लोग जो होते हैं ना वो सरकार से पैसा लाते हैं, बजट लेकर आते हैं, तब यहाँ पे नगरीय निकायों में काम होता है। तो बीजेपी के विधायक रहे 15-15 साल से, सरकार उनकी रही, किंतु वैशाली नगर का डेवलपमेंट जिस ढंग से होना था वो हुआ नहीं। किंतु इस 5 साल में, पिछले 5 साल में वैशाली नगर का विकास, भारतीय जनता पार्टी के भले विधायक थे किंतु हमारे महापौर देवेंद्र यादव जी थे, नीरज पाल जी थे और स्वयं मुकेश चंद्राकर जी जिलाध्यक्ष के रूप में काम करते रहे और बहुत सारा फंड उन्होंने लाया और काम हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि इस बार जब कांग्रेस की यहाँ पे विधायक बनेंगे तो यहाँ पे और अच्छे से काम होगा। मुख्यमंत्री का ये नारा है, बल्कि उन्होंने ऐलान भी किया है अब की बार 75 पार, क्या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमत लाएगी? अब पूर्ण बहुमत तो रहेगी, 75 पार का जो नारा है हम लोग पिछले 3-4 सालों से दे रहे हैं और उससे 75 पार माने उससे ज़्यादा हम लोगों का आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि भूपेश बघेल ने जो काम किया है वो काम पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है और छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जैसा ही मुख्यमंत्री चाहती है। लोकतंत्र के पर्व के लिए आप आम नागरिकों को अपील कर दें कि इस पर्व को सभी मिलकर सफल बनाएं और अपने मतों का उपयोग करें। मैं आम मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि अपने वोट के अधिकार को पहचानें, बहुत सोच समझ कर वोट दें और पूरे परिवार के साथ जाकर वोट दें, यही मैं चाहता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व साडा अध्यक्ष, वैशाली नगर से विधानसभा पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और अभी वर्तमान में आज हमारे साथ इन्होंने जो साझा किया, ये सवाल काफ़ी उलझाने वाला था लेकिन लगातार इस तरह के सवालात उठते रहेंगे और सबके जवाब भी हमें मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़।